हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे FEA का बुक फोर मॉड्यूल 11 है, जो है आपका मॉड्यूल 11 डे फोर। ठीक है, टॉपिक क्या नाम है? इस टॉपिक का नाम है विजुअल डाटा, तो विजुअल डेटा। ठीक है, सॉरी, डेटा, विजुअल डेटा। सो व्हाट डू यू थिंक विजुअल डेटा? आई थिंक यू नो द विजुअल डेटा मीन्स लाइक वी हैव टू बी, मतलब कि आज आपको चार्ट बनाना रहेगा। चार्ट मतलब कि कुछ टॉपिक्स रहेंगे या SAB में, उसे देख के आपको चार्ट बनाना रहेगा। ठीक है, चलिए हम लेसन ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। लर्न द ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन मेंशन डिफरेंट द टेक्स्ट ग्राफ एंड टेबल, डिफरेंट फॉर्मेट्स टेक्स्ट ग्राफ टेबल। तो आज आपको जो है, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको आपको ऑर्गेनाइज करना है। ऑल द इन्फॉर्मेशन यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज एंड यू हैव टू बी मेक द लाइक ग्राफ टेबल टाइप, यू हैव टू बी मेक समथिंग लाइक। ठीक है, चार्ट बनाना है। ठीक है, जो आर्टिकल जो है, आपको कुछ आर्टिकल रहेंगे SAB में, वहाँ पर आप जाएंगे तो समझ आएगा। तो SAB में कुछ आर्टिकल है, उससे आपको एक चार्ट बनाना रहेगा। तो उसमें कुछ है नहीं, आप वहाँ पर कर लेंगे आसानी से। ठीक है, प्रैक्टिस ऑर्गेनाइज एंड रिप्रेजेंटिंग प्रोजेक्ट डेटा यूजिंग सुटेबल फॉर्मेट्स। सो यू हैव टू बी प्रोजेक्ट मीन्स, मतलब कि प्रैक्टिस ऑर्गेनाइजिंग, मतलब कि तुमको जो है सभी जो है डेटा को कलेक्ट करना है, सभी को रिसर्च करना है, और जैसे कि आप जो टॉपिक मिला है इसको रिसर्च करना है और सभी वो पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और फॉर्मेट्स को आपको समझना है, कैसे आपको प्रोजेक्ट डेटा प्रोजेक्ट बनाना है, सभी को समझना है। ठीक है, स्ट्रेंथन लैंग्वेज बाय प्रैक्टिसिंग। आपको आर्टिकल से और इससे सब, मतलब टेंसेस से अच्छा आप कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप ध्यान दीजिए, टेंस वर्ड आर्डर ऑल द थिंग्स यू हैव टू बी प्रैक्टिस। ठीक है, अगला क्या है? टेक ओनरशिप रिसीविंग एंड इम्प्लीमेंटिंग फीडबैक। अगर आप कोई फीडबैक पाते हैं तो उस पर आपको मतलब कि वर्क करना है, इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका लेसन ऑब्जेक्टिव था दोस्तों। तो आज का मैं बता दे रहा हूँ, एक रहेगा आपका वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ पर वॉच कर लीजिएगा, वो डिस्क्रिप्शन आपको क्लास में दिखाया जाएगा। और आपको बता दूँ कि जो आपको चार्ट बनाना रहेगा, चार्ट को बनाना रहेगा ऐसे कुछ टॉपिक्स वहाँ पर हैं, मतलब आर्टिकल हैं, आर्टिकल के अकॉर्डिंग आपको पाई चार्ट ऐसे बनाना, दिखाता हूँ आपको। सो दोस्तों, ये आपका पार्ट बी जो है, ऐसे आपको मतलब ये जैसे आपके कोई भी आपका रफ कॉपी है, कुछ भी आपको चार्ट रहेगा, तो उस चार्ट को बना के वहाँ पर जैसे जो आर्टिकल रहेगा, आर्टिकल के हिसाब से ऐसे आप बार चार्ट के हिसाब से बना सकते हैं, लाइन चार्ट के हिसाब से, पाई चार्ट के हिसाब से बना सकते हैं आप, ऐसे आप टाइम लाइन चार्ट जैसे आप बना सकते हैं। वहाँ पर एक चार्ट आपको बनाना रहेगा, उस चार्ट को आप जैसे बना लेंगे तो वहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन देने रहेगा, इस चार्ट के बारे में आपको बताना रहेगा। ठीक है, तो आज के इस क्लास में यही आपका रहेगा, एक डिस्कशन वीडियो रहेगा और आपका मतलब यही टॉपिक था, तो विजुअल डेटा। ठीक है, तो यही आपके इसमें था। तो आशा करता हूँ आपको मतलब वीडियो अच्छा लगा होगा, यही था, तो आपको हेल्प करने का प्रयास किया। थैंक यू सो मच दोस्तों।